वेलकम टू मुतारा चैनल इनकी नाम पाकपोना और हाट रेसिपी एपड़ना और कुटेव नरेपा अवको कारमे आगाम कुणु अब कारमे कार सापड़ना सापे अब पड़नुनि रेसिपी पड़ी वजको इत पचमि मट पचमि कायम वेकूड़े इतर मसान कड़ा पचमि पाक पचमि कोलेस्ट्रा कुमें नया पे सुन वैद्यरना और ना कि मिगव पचमि सापड़न पचमि पनी इत वो ये वीटकल पोनना अम्मा ओतका कारम अब इतमी पड़ी वजें नान कारण सापन पाक पड़ोना मोदल नेम कायते पटर नल ऊतर नल ऊती काय अंतमारी पचमि मारी पोरिंग जो वरना पोरिंग वाला एक पाले पचमला का पोड़ना पचमला का पोड़ा मधु कौन डाली नहीं करना बेटिकेर के पीछान से ये नल्ला बात आती है बात आती है मतलब रंड कारवे प्ले नल्ले मैक्सीम नाटपूड यूस पड़ी मलपूल पूडा वो पुल कु अंदमर वा यूस इतमी नाटपूड यूस पड़ी उड़ ना यूस पड़े ना वदकेंगे वो उरपू उपिपुरीपिपेमेंटेस्ट सूपर इत स्टोर पड़ी वेटीन और मसम इे सा सदम तय सदम उन्टी सदम अट्ठकल कार ना सापड़वा यूज पड़ी वो पुल पाती तोड़ मणाम इतमी अद वदकेंगे सरिया अब मण तोड़ा डस्टाचना ऊरे पोटे कटिया करे वो ऊरे पोटे पुल करस कटिया अरे वे वह ना वदंगी ना आरे वि मिक्स उरटी अड़के इतकूँ कुछ कल उपटे कल उप ना वद इत आरे वि ना पेस्ट पड़ी वे मेरी एणल अंतल तवे मिगा पेस्टा अभी अरे वे अरे वीला इन एण का अंतल कड़ पड़ें कड़ पटक करवे पड़ वाणा ऐसा नम्बर करवे मुद्दे पड़ी पेस्ट पड़ी पड़ी वो करवेल ना पू करवे इतमी इतना चलता कार ना सापा कार तम अमेल अली अली वैरस अल्लाह आलरे नानूक ना चलतर कुड़चरकें मंजपुड़ी अंत का स्पून मंजपुड़ी मंजपुड़ पटना करीज कटे पेस्ट पेस्ट अभी कटे बाहर एपड़ी इन नम्बर देव की तीन वा कुछ ऊटिकल ऊटे व वो ना करपटी करपटी सेता उड़म्क ना करपटी एंड
போட்டு இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய துண்டாவே போட்டுக்கோங்க. அப்படியே வச்சு கொதிக்க விடணும். கொதிக்க வச்சு மூடி வச்சுருங்க. மூடி வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. இப்போ பாருங்க சூப்பராக தக தக தகான் இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு வறுத்து திரித்து வச்சுக்கோங்க வெந்தயத்தை. கொஞ்சம் அதிகமாக திரித்து வச்சுக்கோங்க, எதுக்குமே யூஸ் ஆகும். வயிறு வலிலாம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கிட்டுங்களேன், ஒரு ஸ்பூன் மோரில் கலக்கி குடிச்சிங்கன்னா வயிறு வலி சூட்டு வலிலாம் நல்லா கேட்கும். அப்புறம் இந்த இதுக்கு இப்படி தூக்கிடுவேன். தூக்கிட்டிங்கன்னா மிக்ஸ் ஆகும். இதில் இதில் என்னென்னா இது ஒரு கசப்பு தன்மை இருக்குது வெந்தயத்தில். அப்படி தான் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா 1/2 ஸ்பூன் எண்ணெய். ஏன்னா இப்படி ஊடும்போது இந்த எண்ணெயை வந்து ரொம்ப சூடாகக்கூடாது. நல்லெண்ணெய் மேலே அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு 1/4 லிட்டர் எண்ணெயில் நம்ம செஞ்ச மாதிரி இருக்குது. அப்படி அந்த எண்ணெய் சூட்டோடய அப்படி போட்டு இப்படியே மூடி வச்சுருங்க. பாருங்க எண்ணெயாக நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி செஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? இந்த அனுபவம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.